इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद तानाशाही गुंडा करती नहीं चलेगी, तानाशाही गुंडा करती नहीं चलेगी। चौधरी दलबीर सिंह है, मैं BYC यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम जहाँ पे बैंक में आए थे, कठुआ बैंक में, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में कठुआ जो बैंक है, हमारे साथ ये डोरसी के सरपंच है रजिंदर ठाकुर जी, ये जथाना से हमारे भाई मोहिंदर जी, इनके गांव से भी लोग आए हैं। भैया हमने आए 15 दिन हुआ, एक एफिडेविट के लिए हम लोगों को हरास किया जा रहा है। जब हम जहाँ पे पहुँचते हैं, लाइन में लगते हैं, तो जहाँ पे कहा जाता है भाई एफिडेविट जो लिमिटेड आते हैं, आज आप जा सकते हो, दोबारा आ सकते हो। ये बंदा बेचारा डोलसी से आया है 30 किलोमीटर दूर, ये जथाना से आया दरिया क्रॉस करके, मैं टंडियाड़ी से आया हूँ 20 किलोमीटर दूर आया हूँ। जब हम कठुआ पहुँचते हैं, कठुआ आके हमारे साथ जाती की जाती है, जहाँ तो एफिडेविट अगर तो सरकार ने नीट एंड क्लीन काम कर रही है, सरकार कह रही है कि एफिडेविट के जरिए करप्शन होती है, हम करप्शन को मिटाना चाहते हैं। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर करप्शन को मिटाना चाहते हैं तो ये बैंक हमारे ब्रांच छन्नी में है, राजबाग में है, नियर अबाउट जो भी ब्रांच हमारे आसपास एरियाज में है, तो हम वहां से नियर अबाउट ले ले एफिडेविट। हमें कठुआ में आने की जरूरत क्या है? एक तो सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, जहाँ पहुंचते पहुंचते जब 11 बजे आते हैं, 11 बजे के बाद लाइन में लगते हैं, 1-2 घंटा लाइन में लगे, और अंदर जाके उन्होंने कह दिया हमें कि भाई लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है। भैया किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए उसको एफिडेविट चाहिए, किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके लिए एफिडेविट चाहिए, हमें अपने कोई काम के लिए एफिडेविट चाहिए, हर बंदे को अपने जरूरत के मुतालिक एफिडेविट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कठुआ बड़ी से लेके बसोली से लेके बिलावर से लेके थोड़ा बहुत एरिया नहीं है, और लिमिटेड बैंकों को इन्होंने रखा है कि इस बैंक से, मतलब 2-3 बैंकों को इन्होंने परमिशन दी है। जो बंदा बेचारा बणी से आएगा वो दूसरे दिन पहुंचेगा, वो 40 दिन एफिडेविट के लिए तरसता रहेगा, उसकी बीबी प्रेग्नेंट है, उसमें बच्चा होने वाला, उसे एफिडेविट जरूरी है, डॉक्टर एफिडेविट मांग रहा है, वो तो बेचारी तड़ तड़ के मर जाएगी। क्या ड्रामा सरकार का, क्या इन्होंने कोविड अंदर जाके आप हालात देख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग, और बाद में बैंक वाले हमें आके बोलते हैं भाई हमें डिस्टर्ब मत करिए। ये बंदे एक एक अकेले अकेले अंदर बैठ रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग भीड़ भड़क्के में एक दूसरे को धक्का देके अंदर पहुंच जाते हैं, 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हमें कोई काम नहीं है। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गुंडागर्दी तानाशाही चली है ना, कि हम लोग नहीं चलने देंगे, ऐसा लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। आगे की जो भी बात है हमारे भाई लाइन में लगे रहे 2 घंटे, बाद में बोले भाई नहीं है, एफिडेविट नहीं मिली हमारी, हम आपके पैसे ले नहीं सकते, कह रहे आप कल मिलेंगे। क्या काम करते हैं? बिलावर से आया हूँ सर, सुबह बिलावर से सोचा मिल जाए यहाँ पे, तो एक ही ब्रांच में मिल रहा है, बाकी ब्रांचेज में मिलता तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता। अब सारे के सारा यहाँ आए थे, लाइन लगी थी बाहर, तो जब हमारा नंबर आया तो ये भी भैया थे, सभी दूर दूर से आए हैं, नहीं मिला अभी। अब क्या कहते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, कल आओ, कल सुबह, वो भी आपको सुबह 10 बजे आना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, तो मिल पाए, लेट हो जाए। पंचायत फोर एंड बेस्ट बी, आज हम एफिडेविट के लिए आए हैं, हमने पिछले हफ्ते से यहाँ से कोशिश कर रहे हैं एफिडेविट लेने के लिए। एक तो देश में COVID-19 की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ, और बैंकों की हालत देखो, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाइनों में 50-50 बंदे लगाए हैं, वो ही कैश जमा कर रहा है, वो ही एफिडेविट के लिए लग रहा है। हमने 5 दिन हो गए लाइनों में लगे हुए, मगर यहाँ पे एफिडेविट जब हमारी बारी आती है तो एफिडेविट खत्म हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर COVID-19 है तो सभी ब्रांचों को परमिशन क्यों नहीं देती है एफिडेविट के लिए? एक ब्रांच को दी है, बणी से लेके हीरानगर से लेके पूरा यहाँ पे इकट्ठे लोग हो रहे हैं, और ये COVID-19 की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? हम रिस्क लेके लाइनों में खड़े हैं, ये बंदे कैबिन में बैठे हैं और हमें बोलते हैं हमें डिस्टर्ब मत करो, हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं लाइनों में लगे, ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे ये लोगों ने गाइडलाइन फॉलो करानी है तो बाल सिक्योरिटी वाले को बोल दे, लिमिटेड बंदों को अंदर जाने दीजिएगा, तो फिर गाड़ी गाइडलाइन फॉलो, खुद कैबिन में बैठे हैं ये लोग, ये तो बदमाशी चल रही है यहाँ पे बैंकों वाले की और गवर्नमेंट की। हम चाहते हैं कि अगर ये सिस्टम सही नहीं हुआ तो हम रोड जाम करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अब यहाँ पे इन लोगों के नंगा करके रखेंगे जिन लोगों ने ये वाली गाइडलाइन दी हुई है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी बैंकों में एफिडेविट दिए जाए, अगर नहीं दिए तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे डीसी साहब के आगे, डीसी साहब के अभी डेपुटेशन लेके जाएंगे, और हम यही कोशिश करते हैं, और यही आपके माध्यम से हम
गवर्नर साहब से यही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी बैंक ब्रांचों को एफिडेविट दिए जाए ताकि लोग हरास ना हो। जय हिंद जय भारत।